सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं आया हूँ एक केस स्टडी लेके, और देखते हैं कौन कौन है। अभी तो कोई है नहीं, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ ग्रुप में कि दोस्तों को भी पता चल जाए। तो थोड़ा सा मैं इसको शेयर करता हूँ। तो ये रहा हमारा यशन सर का ग्रुप। तो यहाँ पे कौन है और कोई लाइव है क्या? एक जन दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं शेयर कर दूँ। चलो हो गया पोस्ट। अब देखते हैं दूसरा पेज पे थोड़ा सा, जो भी ऑनलाइन है वो थोड़ा सा मेरा ऑडियो ठीक है कि नहीं बताएं। तो अभी एक थोड़ा सा है, एक दो ठो केस जो मैं देखूँगा और थोड़ा सा ऑडियो कंफर्म कर दें तो मैं आगे के लिए जाऊँगा, क्योंकि ऑडियो सही होना चाहिए। और ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, अब कोई अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई इशू नहीं। तो एक छोटा सा केस स्टडी है और जिसमें डेल का है, और ये मतलब कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो उसको देखना है। तो मैं पहले बोर्ड को दिखाता हूँ अगर आपको, तो बोर्ड है यहाँ पे, ये बोर्ड है इंस्पिरन का और ये चालू हो रहा है, लेकिन कभी चालू हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करवाऊँ तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर देखूँ, तो ये ऑन हो रहा है लेकिन ये ट्रिप कर जा रहा है, यानी कि कुछ शॉर्टिंग इसमें नज़र आ रहा है। जो सिम्टम्स दिखा रहा है ये कुछ शॉर्टिंग का नज़र आ रहा है, मतलब शॉर्ट हो रहा है मतलब ऑन होने के बाद।
देखेंगे तो ट्रिप कर जा रहा है, हम तो हो रहा है ये 240 पे आके रुक जा रहा है। तो इसको मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, उसको पहले थोड़ा देख लूँ मैं कौन कौन ऑनलाइन है, ताकि उनको हेलो या जो भी बोलना है बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन है थोड़ा ऑडियो क्लियर है कि नहीं बताएं, क्योंकि अगर ऑडियो क्लियर नहीं होगा तो फिर कुछ बार आदमी तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा है। ठीक है मत, कोई बात नहीं। तो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो ये केस स्टडी है डेल इंस्पिरन 1440 का, और ये मैं प्रॉब्लम दिखाया कि इसमें अपने आप पे चालू हो रहा है या अपने आप मतलब ऑफ हो जा रहा है कुछ सेकंड में। तो आई थिंक ये इसमें आप देखिए, फिर से दिखाता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे ऑन किया यहाँ पे, ये ऑन होके कुछ थोड़ा देर में ट्रिप कर जा रहा है। तो इसमें मेरा और सेटअप कर रखा हूँ कि ज़्यादा अगर कुछ ओवरलोड पड़े बोर्ड में तो डीसी मशीन ट्रिप कर जाए, तो उस कंडीशन में है अभी ट्रिप कर जा रहा है। तो उसको अब फिज़िकली एक बार वेरीफाई करके फिर चेक करना है कि क्या काम करना है इसमें। उसके लिए मैं थोड़ा तो सा कुछ चीज़ इसमें से हटा लूँगा, स्क्रू ड्राइवर इन्वर्टर खोलना पड़ेगा, उसका हीट सिंक का मुझे। तो खोलता हूँ इसको मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आई थिंक ये देखो सौरभ घोष जी, ऑडियो क्लियर है? ठीक है, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। वीडियो भी स्मूथ है कि नहीं बता दीजिए। सबसे पहला इसमें काम बनता है कि इसको फिजिकल इंस्पेक्शन चाहिए, उसके बाद जाके हम इसमें कुछ मैं करूँगा इसमें, क्योंकि इसके इसमें लिक्विडिंग क्लीनिंग होता है इस टाइप का। तो इंस्पेक्ट करने के लिए एक बार के लिए मैं इधर ऐसे ही देख लूँ, तो थोड़ा सा मेरे को नज़र आ रहा है स्टैंड बाई में कुछ, और स्टैंड बाई में नज़र आ रहा है मैं दिखाऊँ तो जिस टाइप का प्रॉब्लम है स्टैंड बाई के लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो आपको दिखना है, अरे ये कहाँ गया स्टैंड बाई। तो इसमें कुछ लिक्विडिंग है जो कि इसके कारण से भी होता, मतलब ऑटो शट डाउन ऑटो हो जाता होगा। तो ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो इसको और लेट नहीं करके इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, अगेन मैं इसको चेक करूँगा कि क्या है। इसमें कुछ रश का गया ऐसा दिख रहा है। बेहतर होगा इसको हटा लेना यहाँ से, और फिर इसको मैं ये करता हूँ निकाल के फिर उसे काम करता हूँ। एटा ऑन करा था ठीक, डीसी मशीन एटा SMD। तो शोल्डरिंग आयरन यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको मैं शोल्डर कोट निकालने की कोशिश करता हूँ, होता है कि नहीं, लेकिन ये हो जाने से भी कोई ये नहीं है, इसको निकाल कर लगाना सही रहेगा क्योंकि अंदर में क्या है वो नहीं मालूम। तो बेहतर होगा मैं इसको निकाल ही लूँ। किरण कहाँ खबर था, बोलो छे चलिए, तो
ତୁମର ଆଡ଼େ କହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେନ୍ତା ଅଛେ? ସୌରଭ ଘୋଷ ଜୀ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେ, କାହାଁ ସେ ହେଁ ଆପ? ଦିଲୀପ ସାହୁ ଦା ନମସ୍କାର। ଡାଇମଣ୍ଡ କରମକାର ନମସ୍କାର, ଦେଖ ରହେ ତୋ। ये बहुत मतलब टॉप मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ये PWM कंट्रोलर है, और ये मतलब काफ़ी मॉडल्स में लग जाता है ये। तो ये जैसे दिख रहा है तो यहाँ पे ये मतलब सड़ा हुआ है, तो आई थिंक इसको ठीक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार ଡାଇମଣ୍ଡ କରମକାର नमस्कार, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ସରି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛେ, ଯଦି ବାହାରୁ କେହି ଥିବେ ବୋଲେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର। ଆଗର ବାହାର ସେ ତ କେସେ ହେଁ ବତାଇଏ। ତୋ ଇସକୋ ପହେଲେ ଇସକା ଜୋ ପ୍ୟାଡ୍ ହେ ଇସକୋ ଠିକ୍ କର ଲେତା ହୁଁ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଇସକୋ ଲଗାଉଁଗା, କ୍ୟୁଁକି PWM है, यहाँ पे रिस्क लेने नहीं होता है। और साइड साइड का कंट्रोल जो कंपोनेंट है उसको भी मतलब ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक मतलब सब तरफ चला गया, करंट चला जाएगा और ज़्यादा चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा वाला बात है ये सेक्शन, क्योंकि हर एक सप्लाई यहीं से ही ऑपरेट हो रहा है। इवन लोड ड्रॉप यहीं से निकल रहा है आईओ के लिए, या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये सेक्शन ठीक होना चाहिए। थिनर और कौन है ऑनलाइन? नरेश भगर्ती भगर्ती चिंता वचन, नरेश भगर्ती नरसिंह भगर्ती सॉरी। तो अभी का जो सिचुएशन है कि पता नहीं और कितना दिन अपना हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है मे बी। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैं लेके आ रहा हूँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो। अब मैं देखता हूँ इसको, मैं ये करता हूँ क्लीन करता हूँ, फिर उसको मैं ऐसे ही लगाऊँगा। तो थोड़ा सा एक सेकंड में लूँगा इसके लिए, क्योंकि थिनर नहीं है लाने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो लाल बाबू तुम्हार साइड ऑफिस रहुची रिंकू। अच्छा रिंकू अरण मोबाइल भाई तुम्हें तुम्हारा फोटो देखा जाओ नहीं ना इतरे, मैंने बहुत छोट स्क्रीन अच्छी मोबाइल ले तो जाना पड़नी। चलो किसी असुविधा नहीं, तो ठीक अच्छे। अब इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर आगे जाऊँगा मैं। कैन यू फिक्स शॉर्ट सर्किट मदरबोर्ड ऑफ गेमिंग लैपटॉप? यस ब्रो कर सकता हूँ, अगर आप देंगे हो जाएगा। मैं ऑलरेडी गेमिंग लैपटॉप करता हूँ, मैकबुक प्रिपेयर करता हूँ, आईमैक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड होगा वो भी बन जाएगा,
तो सिर्फ आपको ला के देना पड़ेगा। मैं इसको इतना क्लीन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंड बाई सेक्शन है और यहाँ पे कोई रिस्क लेना नहीं है। वाट इज डूइंग नाउ, वाट इज डूइंग नाउ ब्रो? एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस लैपटॉप। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई एम ट्राइंग टू पावर ऑन दिस लैपटॉप, इट्स पावरिंग ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन गोइंग टू पावर ऑफ, ऑटोमेटिकली शट डाउन। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू फिक्स इट। सो प्लीज वाट फॉर वन सेकेंड। तो इसमें क्लीन हो चुका है और इसको अब मैं लगाऊंगा इस ऐसी को। तो इसको पहले थोड़ा सा मैं इसको रिशोल्डर कर लूँ क्योंकि इसमें भी जंग खाया हुआ है ना ये। क्लीनिंग द बोर्ड? नो ब्रो, आई एम नॉट क्लीनिंग द होल बोर्ड, जस्ट क्लीनिंग द स्टैंड बाई सेक्शन बिकॉज इट्स वर्किंग समटाइम प्रॉपरली और समटाइम इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू रिफिक्स दिस पी डब्ल्यू एम कंट्रोलर सो दैट इट विल वर्क प्रॉपरली। ओके पवन संपत, दे आर वेरी फ्यू पीपल हु डू चीप लेवल रिपेयरिंग। नो ब्रो, देयर इज अ मेनी पीपल्स आर डूइंग द चीप लेवल रिपेयरिंग बट बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी फॉर माई इंग्लिश, एक्चुअली माई इंग्लिश इज नॉट गुड। हाउएवर आई आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई समवन हु आर कमेंटिंग इन इंग्लिश, सो प्लीज कंसिडर माई मिस्टेक ऑन इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज नॉट गुड। तो उसको मैं लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा मैं इसमें शोल्डर दे दूँ ताकि इसको लगाने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो, सुविधा हो। तो अब ठीक से लग जाएगा ये। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको आप अगर पर, मेरा काम अच्छा लगता है आपको तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज का नाम है लाल बाबू डॉट पी एस पी डॉट एस डॉट साहनी और यूट्यूब का चैनल भी है, उसका भी यूज़र नेम वही है लाल बाबू पी एस एस साहनी। तो नो वन नो हाउ टू रिपेयर इन माई एरिया। ओके प्रवीण संपत, एक्चुअली टेल मी योर लोकेशन सो दैट आई कैन सजेस्ट यू
हु आर वर्किंग प्रॉपरली ऑन योर एरिया. सो और यू कैन सेंड मी और मेल मी योर डिवाइस इफ यू वॉन्ट टू रिपेयर योर डिफेक्टिव डिवाइस. सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड यू कैन शेयर योर लोकेशन इन माई पर्सनल नंबर और इवन यू कैन शेयर हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली गेमिंग लैपटॉप इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स सर्किट सो दैट एवरीबडी डोंट नो हाउ टू रिपेयर दैट काइंड ऑफ पी सी वी और मेन बोर्ड. सो प्लीज डोंट वरी इट, यू कैन जस्ट शेयर योर लोकेशन, आई कैन सजेस्ट यू द बेस्ट रिपेयर शॉप फॉर यू. आई एम बालाजी फ्रॉम बालाजी फ्रॉम चेन्नई. वाई इज अ प्रॉब्लम इन दिस स्पार्क? वाट इज यू मीन टू यू मीन वाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस लैपटॉप? दैट्स इट, आई एम राइट? ओके, वाइजैग आंध्र प्रदेश. ओके प्रवीण प्रवन, आई कैन सजेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट रिपेयरर ऑन योर लोकेशन. सो प्लीज वेट फॉर वाइल. शिव आज्ञा नमस्कार, केंता अछन? I am also doing chip level service but little bit some doubt in front of me. Balaji Precious Operators. अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप कोई बात नहीं, आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. अगर मैं से कुछ बनता है आपके लिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपको. तो एकदम क्लीन हो गया और सही से लग भी गया. जो कंप्यूटर थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो गया उसको सीधा कर लेता हूँ. अब इसको टेस्ट किया जा सकता है और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कूल होने के लिए वेट करता हूँ क्योंकि ये अभी हीटअप है. तो ये हीट कितना है अभी चेक कर लूँ मैं. लगभग ये 70-80 डिग्री के आसपास हीट है और तो इसको थोड़ा सा कूल होने देता हूँ क्योंकि पूरा हीट होने होने जब रहता है कोई भी कंपनी तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है. तो कोई इशू नहीं. लीला की थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. आई एम ऑल्सो टेक्नीशियन, कैन यू सपोर्ट मी? बालाजी येस आई कैन सपोर्ट यू. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आई हैव अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. और इफ यू हैविंग एनी इशूज ऑन रिपेयरिंग सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर. I can help you. I will help you. Okay. So यहाँ पे अब ये कितना हीटअप है, 33 डिग्री, 49 और थोड़ा सा वेट कर लूँ मैं क्योंकि ये स्टैंड बाई सेक्शन है और यहाँ रिक्स लेना नहीं है. तो अब कौन कौन है एक बार मैं चेक करूँ. तो एक बार देखता हूँ कौन कौन है. तो यहाँ पे आ गया कुलदीप दुबे जी. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, आ गए आप?
व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस लैपटॉप वॉचिंग फ्रॉम फ्लिपनेस. एक्चुअली इज दिस लैपटॉप इज हैविंग प्रॉब्लम ऑन पावर ऑन इशू. व्हेन आई एम ट्राइंग टू पावर ऑन दिस लैपटॉप इट्स पावरिंग ऑन बट फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन इट्स गेटिंग पावर ऑफ ऑटोमेटिकली. दैट इज द प्रॉब्लम एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. सो हेलो, आई नीड योर हेल्प रिगार्डिंग माई लैपटॉप मदरबोर्ड एंड आई प्रेसिंग पावर बटन गेट ऑन आफ्टर लाइट एंड स्टार्ट ब्लिंकिंग. आई कैन हियर ए टी आई सी साउंड. ओके एन अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी द योर मॉडल नंबर ऑफ योर लैपटॉप सो दैट आई कैन सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स. यू कैन ट्राई दैट. सो अब एक ठंडा हो चुका होगा. आई थिंक 39 डिग्री है. गुड मॉर्निंग सर, कुलदीप सर, गुड मॉर्निंग. तो अब एक बार टेम्परेचर देखूँ, अगर तो 39 पे आ गया है, अब इसको टेस्ट किया जा सकता है. तो अब इसके लिए एक बार के लिए मैं चलता हूँ और कहीं पे. तो ये रहा. अब ये लैपटॉप ऑन हुआ, कुछ 405 मिली एम्पियर कंजप्शन है. और अगर रैम लगाऊं तो ये है. रैम और 500 के आसपास कुछ ये डिस्प्ले आ चुका होगा आई थिंक. तो इसका एक बार हीटिंग देखने से मालूम चल जाएगा कि ये डिस्प्ले इसमें है या नहीं. प्रवन संपत, माई लैपटॉप इज ओवर हीटिंग टू 95 डिग्रीज. नाइन्टी फाइव डिग्री, शुड आई रियली चेंज थर्मल पेस्ट? प्रवन संपत, फर्स्ट टेल योर मॉडल नंबर ऑफ योर लैपटॉप, देन आई विल सजेस्ट यू. अब इसको हम चालू करके देखें तो ये तो ऑलरेडी मैं दिखाई दिया, लेकिन अब इसमें हीटिंग देखना है कि इसका सीपीयू कितना हीट हो रहा है, उससे पता चल जाएगा कि इसमें डिस्प्ले है या नहीं है. तो आई थिंक ये है सीपीयू का लोकेशन 46 डिग्री, और ये साउथ ब्रिज, ये नॉर्थ ब्रिज. अब ये 55, 56, 58, यानी कि इसमें डिस्प्ले आ चुका है और एम्पियर भी कुछ 700 के आसपास ले चुका है. ये अब फर्स्ट ट्रिगर में ऑफ हो जा रहा है. या प्रवन संपत, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ योर गेमिंग लैपटॉप, बट आई नीड टू नो योर मॉडल नंबर, लैपटॉप मॉडल नंबर, सो दैट आई कैन टेल यू द बेटर सजेशन. सो प्लीज़ कन्फर्म योर मॉडल नंबर और व्हाट्सएप मी. तो अब चलते हैं इसके लिए. इसका जो चेक करना क्या है, अब इसमें डिस्प्ले चेक करना है, तो वो भी देख लेता हूँ एक बार के लिए. तो इसका डिस्प्ले कहाँ है? डिस्प्ले चेक करने से पहले जो स्टैंड बाई सेक्शन जो काम किया हमें, उसको एक बार प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, वो भी चेक कर लूँ. तो उसके लिए मैं चाहिए होगा DSO. उसमें मैं चेक करूँगा कि इसका जो सेक्शन चालू हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि उसमें अगर कोई ग्लिच वगैरह होगा तो फिर से प्रॉब्लम आ सकता है. एक एक बार ग्लिच में भी चल जाता है. व्हाट्सएप नंबर ब्रो, या प्लीज़ नोट डाउन, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9438865716. आई एम रिपीटिंग अगेन, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9438865716. तो अब इसमें एक बार के लिए देखा जाए तो चैनल 1 को 2 को ऑफ करता हूँ मैं, और चैनल 1 से काम चलाऊँगा. और इसमें है
इसको ट्रिगर मोड पे लेना है मुझे अगर, तो टाइम चेंज करना पड़ेगा वरना ये ट्रिगर नहीं होगा। तो थोड़ा सा रुकिए, मैं चेक करता हूँ इसको, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कंफर्म होना भी ज़रूरी होता है कि वो काम सही से हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ है, फिर से मैं इसको ट्रिगर लेता हूँ, तो आई थिंक ये यहाँ पे चाहिए। तो अब फिर से ठीक है, यहाँ पे ग्लिच, ये जो है इसमें एम्पियर का इशू होता है, जब एम्पियर के लिए एक जगह पे कुछ डाउन हुआ स्टेप, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखूँ अगर, तो यहाँ पे भी सही है, तो उसको थोड़ा सा वोल्टेज स्लो करना, ये कम करना पड़ेगा। अब जूम करके अगर इसको देखूँ तो जूम में भी क्लियर नज़र आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस यू आर यूजिंग नाउ, सी योर टेम्परेचर, ग्राफिक्स, सीपीयू एंड ब्रिज, या स्पार्क्स। एक्चुअली आई एम यूजिंग थर्मल पीसीबी इंस्पेक्शन डिवाइस, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट डिवाइस देन यू कैन मैसेज मी और ज्वाइन टेलीग्राम। और टेलीग्राम लिंक हैज़ बीन ऑलरेडी आई हैव बीन शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ दिस लाइव, सो यू कैन फाइंड द माई टेलीग्राम चैनल लिंक फ्रॉम देयर। एंड तो ये ठीक है, एकदम सही है, कोई इशू नहीं है। अब इसको डिस्प्ले में चेक कर सकता हूँ। अब डिस्प्ले के लिए मैं ये इसको लाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रहा डिस्प्ले। तो इसके लिए मैं डीएसओ हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसको ऑन करूँ अगर, तो क्या होता है, ये डिस्प्ले आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका एक बार थर्मल मॉडल मॉडल में फिक्स कर लूँ, इसको मतलब फिट करने के लिए दे दूँगा। ओके, मैं समझ रहा था कि आपने मेरे कमेंट को इग्नोर कर दिया। सैयद अली, आपने पहले कमेंट किया था, क्योंकि क्या है मुझे मेरे पेज पे ही जो कमेंट आ रहा है वही दिख रहा है, और अगर अलग कहीं से आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं दो तीन जगह शेयर किया हूँ, तो वहाँ से अगर मुझे नहीं दिखता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ब्रो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई कुछ ये है दिक्कत है, तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी अभी अभी शेयर किया हूँ, आप लाइव ख़त्म होने के बाद आप रिप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर मेरे पेज पे जाके वहाँ से भी नंबर निकाल सकते हैं, मेरा वहाँ भी नंबर है, या फिर यूट्यूब चैनल कहीं से भी ले लीजिए, सब जगह नंबर ओपन है, एक ही नंबर है। तो इसको यहाँ पे थर्मल मॉडल फिक्स करने से पहले, मतलब जहाँ भी कनेक्ट हो रहा है आपका थर्मल मॉडल वहाँ पे वो प्रॉपर क्लीन होना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, वो कनेक्ट ही नहीं होगा और प्रॉब्लम हीटिंग का रह जाएगा। तो अब ये भी एक चीज़ है कि इसके अंदर क्या है, उसको चेक कर लेना था, किसी इसमें डस्ट भरा होगा। आई थिंक पंकज प्रधान इज वॉचिंग। सर टेलीग्राम को शेयर करो, टेलीग्राम लिंक है ब्रो डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लो, टेलीग्राम लिंक है, और जो मेरा नंबर बताया 9438865716, इसमें टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं मुझे।
या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर लो लैपटॉप प्रिपेयर एंड केस स्टडीज, ऐसा सर्च कर लो, वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डस्ट है, अगर माइक्रोस्कोप में मैं दिखाऊँ तो कितना डस्ट है आपको देख लो कि ये हीट सिंक है ये तो ये जो हीट सिंह है ऐसा हो रखा है, तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि मेरा लैपटॉप ठीक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो ऐसा हो गया होगा उनका लैपटॉप में। अगर आपका वारंटी में है तो आप भी 6 महीने में एक बार सर्विसिंग करवा लो, अगर आपका डस्ट एरिया है। अगर वारंटी नहीं है तो भी कुछ कहीं भी आप लोकल सर्विस सेंटर में या फिर अपना जो क्या बोलते हैं कि ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे करवा लो, तो इससे क्या होगा आपको आपका लैपटॉप का जो लाइफ है उसको थोड़ा बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हीट होते 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 अगर जीपीयू है आपका तो सबसे खतरनाक चीज़ वहाँ पे होता है, जीपीयू ख़राब हो जाता है इमीडिएटली। तो आप जीपीयू जी जो कस्टमर जीपीयू वाले हैं जिनके अंदर एनवीडिया या एटीआई का ग्राफिक्स कार्ड लगा है वो प्लीज़ करवाएं सर्विस, वरना क्या होगा एक ही बार में आपको झटका लगेगा, या तो मदरबोर्ड जाएगा, मदरबोर्ड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ग्राफिक्स कार्ड एक ख़राब होगा बाकी सब चीज़ चला जाएगा। और लैपटॉप में तो ऐसा नहीं होता है कि ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा है और मदरबोर्ड अलग है, तो इसलिए जीपीयू वाले या जो भी गेमर्स हैं जो भी जो इंजीनियर्स हैं जो यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप को डिजाइनिंग के लिए या प्रॉपर फंक्शन करवा रहे हैं उसमें 3D ग्राफिक्स का या फोटोशॉप प्रीमियर प्रो कोई भी यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स वाला काम, तो वो ये चीज़ को समझें, नहीं तो क्या होगा एक ही बार में चला जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया होगा, पॉसिबिलिटी ये भी है। आप मार्क अगर करेंगे तो पहले आप जब नया लैपटॉप लिए थे उस समय कितना मस्त चल रहा था, और कुछ 5-6 महीने बाद जाने के बाद कैसा उसका मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, तो उसका कारण वही है हीटिंग वगैरह का कारण, क्योंकि जब तक सीपीयू और जीपीयू और कूल नहीं रहेगा तो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। तो गेमर्स हैं तो या जो भी ऑटोकैड वगैरह जो भी यूज़ करते हैं ग्राफिक्स में या जो भी, वो लोग कूल पैड यूज़ कर लें। मैं ज्वाइन कर रहा है आपका टेलीग्राम लिंक, ठीक है भाई, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। फेसबुक में एक मेरा ग्रुप भी है वहाँ भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी मैं नया नया मतलब आया हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करो, नया नया चीज़ लेके आऊँगा। तो अभी ये बोर्ड ऑन हो रहा है, और अगर आप एम्पियर देखेंगे तो ऊपर में दिख रहा होगा एम्पियर कुछ 500 700 800 के आसपास चला गया है, और ये ट्रिगर हो रहा है। तो एक छोटा सा केस स्टडी, आपको उम्मीद अच्छा लगा होगा, और किसी का कमेंट रह गया क्या पढ़ना? तो ललित तू आ गया, अंतर्यामी पढ़ी, और कौन है? और कौन है यहाँ पे? और कोई नया नहीं है उतने जने, चलिए ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, क्योंकि और एक है लेनोवो का, उसको लेके आ रहा हूँ, उसके लिए अलग लाइव लेके आ रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दूसरा लाइव क्रिएट करता हूँ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले केस स्टडी में।